डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत महात्मा कबीर, इनको नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे इंसान ने इंसान से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाया है। संत कबीर, उनकी कबीर वाणी का समाज पर, शब्दों पर, शिक्षा पर ये सब वचन दोहे, ये सारे समाज में प्रबोधन करने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कबीर दोहे सुनाना चाहती हूँ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काए कोई, कबीरा दुख काए कोई। कबीर जी कहते हैं कि दुख में ईश्वर को सब याद करते हैं, सुख में कोई याद करता नहीं है। जो इसे सुख में ही याद करे तो दुखी क्यों हो। तो सब लोगों ने सुख में भी ईश्वर को याद करना चाहिए। जब वो याद करेंगे सुख में तो सुख की भ्रांति आ जाएगी और सुख महसूस होने लगेगा। नेक्स्ट, तिनका कबहु ना निंदिए, जो पाव तले होय, कबहु उड़ आखो पड़े पीर धनेरी हो, कबीरा पीर धनेरी हो। कबीर जी कहते हैं कि तिनका को भी छोटा ना समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाव तले ही क्यों न हो, क्योंकि यदि वहां उड़कर आपकी आंखों में गिर पड़े तो बहुत कष्ट होता है। समाज में जो छोटे से छोटे लोग हुए उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें सबको समान समझना चाहिए, सबको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, रे भैया मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फिरते फिरते जयमाना बिक गया, तब भी मेरे मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ का और मन का छोड़ दो और अपने जो मन है, मन का जो रूप है उसको सुधारो। अर्थात मन का सुधारना बहुत जरूरी होता है। मन में अच्छी अच्छी भावना लाना चाहिए, और जो मन में अच्छी भावना लाएगा उसका सब अच्छा हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। कबीर जी कहते हैं गुरु और ईश्वर दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पाँव पड़ूं। कबीर जी कहते हैं कि हमें तो अपने गुरु की बलहारी है, जिन्होंने हमें ईश्वर के दर्शन कराए हैं। जो अपने को दिखते हैं वो गुरु है, जिन्होंने अपने को शिक्षा दी है वो गुरु है। तो ईश्वर के पाँव क्यों छू, गुरु है, गुरु दिखते हैं तो उनके पाँव छूना चाहिए। गुरु को ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सोबा, मानुष से देखत किया, करतन लागी बार, कबीरा करतन लागी बार। मैं तो बारंबार अपने गुरु की बलहारी जाता हूँ, कि जिन्होंने थोड़े से प्रयत्न में भी मनुष्य को देवता कर दिया है। गुरु ने मनुष्य को देवता बनाया है, इसलिए गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए।
दिल का मरहम ना मिला, जो मिला सो गल जी, कहां कबीर आसमान फटा, क्यों कर सिवे दर्जी कबीरा, क्यों कर सिवे दर्जी। लोगों को स्वाति देखकर मन रूपी आकाश फट जाता है। लोग इतने स्वार्थी रहते हैं कि उनका मन रूपी आकाश फट जाता है, उसे दर्जी क्यों कर सी सकता है, दर्जी नहीं सी सकता। वह तो तभी ठीक हो सकता है जब कोई दिल का मर्म जानने वाला हो। जब आकाश फटता है मन का, तब मरहम लगाने वाला ही उसको सी सकता है। ऐसे बनी कबीर जी कहते हैं। नेक्स्ट, वाणी से पहचानिए साम चोर की बात, वाणी में पहचानिए साम चोर की बात, अंदर की करनी से सब निकले मुँह की बात, कबीरा निकले मुँह की बात। सज्जन और दुष्ट, कबीर जी कहते हैं कि सज्जन और दुष्ट इंसान को उसकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुँह द्वारा पता चलता है। व्यक्ति जैसे कार्य करता है उसी के अनुसार उसका व्यवहार होता है। एने व्यक्ति बोलने से वो कैसा है ये पहचाना जाता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साही तुझ में बस आ, जाग सके तो जा कबीरा, जाग सके तो जा। जिस प्रकार तिलों में तेल और चकमक पत्थर में आग छुपी रहती है, वैसे ही तेरा साही परमात्मा तुझ में है। अगर तू जाग सकता है तो जा, तथा अपने अंदर ईश्वर को देख और अपने आप को पहचान, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है। जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सुझे नाही, कबीरा ताते सुझे नाही। जिस भगवान को तू पूरे संसार में ढूंढता फिरता है, वहां मन में ही है, तेरे अंदर भ्रम का पर्दा दिया हुआ है, इसलिए तुझे भगवान दिखाई नहीं देता। तेरे अंदर का भ्रम का पर्दा हटा दे, तुझे भगवान दिखाई देते आएंगे, दिखाई देंगे। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो, कबीरा शीतल संत जन नाम सहे ही सोय, कबीरा नाम सने ही सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो चंद्रमा में शीतलता है, ना बर्फ में शीतलता है, शीतलता है तो सज्जन में है। जो सज्जन व्यक्ति रहता है उसको परमात्मा मिलता है, और वो शीतल रहता है बर्फ और वो चंद्रमा शीतल नहीं है, मगर सज्जन जो रहता है वो निश्चित रूप से शीतल रहता है।
आहार करे मन भावना, इंदी किए स्वाव, नाक तलक पूरन भरे, तो का कहिए प्रसाद रे भैया, तो का कहिए प्रसाद। जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूरी नाक तक भरकर खाए तो प्रसाद कहाँ रह जाएगा, खुद ही खाएगा वो, दूसरे को नहीं देगा ना। तो मतलब यह है कि भोजन या आहार शरीर को जितना लगता है उतना ही खाइए, ज्यादा मत खाइए, दूसरे को ही रहना चाहिए, प्रसाद सबको मिलना चाहिए। इसलिए जो अपने को शरीर को लगता है उतना ही खाइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संत कबीर को गुरु माना है, उनके वाणी से बाबा साहब को प्रेरणा मिली है। संत कबीर जी ने समाज सुधारने का काम किया है, इसलिए अपने समाज में सुधारना आनी चाहिए। कबीर जी के दोहे वाणी अगर सब सुनेंगे तो हम सबको दुख नहीं होगा। साधु गांठी न बांधई उदर ममता ले, साधु गांठी न बांधई उधर समाता ले, आगे पीछे हरी खड़े, जब भोगे तब दे कबीरा, जब भोगे तब दे। यहाँ कबीर बोलते हैं कि साधु गांठ कभी नहीं बांधता, वह तो पेट भर अन्न लेता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे पीछे भगवान खड़े है। भाव यह है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जीव जब मांगता है तब वह उसे देता है, इन्हें साधु गांठ कभी नहीं मांगता, सिर्फ पेट भर अन्न मांगता है। नेक्स्ट, घटका पर्दा खोल कर संक दे दीदार, बाल स्नेही साइया आवा अंतकायार, कबीरा आवा अंतकायार। कबीर जी कहते हैं कि तेरा बालकपन का दोस्त और आरंभ से अंत तक का जो मित्र है वो हमेशा तेरे अंदर रहता है, तू जरा अंदर के पर्दे को दूर करके देख तो सामने ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इन्हें तेरा बचपन का जो मित्र है वो ही अंत तक रहता है, अपने अंदर झांकना चाहिए, ऐसे कबीर जी बोलते हैं। नेक्स्ट, सुमरन की सबयो करो क्यों गागर परिहार, होले होले सूरत में कहे कबीर विचार, मैया कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानीहारी का ध्यान हर वक्त घाघर पर ही रहता है, कबीर जी कहते हैं कि परिहारी का ध्यान हर वक्त घाघर पर ही रहता है, इसी तरह तुम भी हर आए इस एक में, सब आए इस एक में, डाल पात फल फूल कबीरा पीछा क्या रहा, गह पकड़ी जब मूल कबीरा, गह पकड़ी जब मूल। कबीरदास जी कहते हैं कि जड़ के जरिए ये डाल और पत्ते और फल फूल लगते हैं, जब जड़ पकड़ ली तो सब चीजें आ जाती है, जब जड़ें अच्छे नहीं रही तो फल फूल डाल ये नहीं आने वाली, इसलिए जड़ मजबूत होना चाहिए, ऐसे कबीर जी कहते हैं। आपने मेरे दोहे सुन लिए, इसलिए प्रणाम।